दोस्तों, मैं हूं आपके साथ प्राची कुमारी। देश दुनिया की तमाम खबरें जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए आरपी समाचार पर, जहां देखेंगे खबर सच। प्रतापगढ़ से रिश्तों का शर्मसार करने वाली की बड़ी खबर आ रही है। भाई ने गोली मारकर बहन को उतारा मौत के घाट, मोबाइल के विवाद में दिया घटना का अंजाम। रामचंद्रपुर गांव में गुड़िया शुक्ला नामक युवती की हत्या उसी के भाई धीरज शुक्ला ने गोली मारकर कर दी। घटना की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में पुलिस मौके पर पहुंच गई। आरोपी भाई को हिरासत में ले लिया गया है। प्रथम दृष्टया मोबाइल का विवाद सामने आया है। खबर विस्तार से। क्षेत्र के रामचंद्रपुर गांव में रविवार रात मोबाइल को लेकर हुआ विवाद के बाद बड़े भाई ने कालिंदा उर्फ गुड़िया 31 वर्षीय की गोली मारकर हत्या कर दी, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपी भाई और उसकी पत्नी को हिरासत में ले लिया। चर्चा यह भी रही है कि घटना की असल वजह माँ के नाम रही एक जमीन थी। बहन कालंदी के नाम जमीन किए जाने की आशंका में भाई सुधीर उससे खाता था। जेठवाड़ा क्षेत्र के रामचंद्रपुर गांव की रहने वाली विद्या शुक्ला अपनी बेटियों के साथ रहती थी। उनके बेटे अलग रहते हैं। 10 दिन पहले विद्या की बेटी कालिंदी उर्फ गुड़िया का मोबाइल गायब हो गया था, जिसे लेकर घर में कहल मची गई थी। रविवार शाम मोबाइल को लेकर कालिंदी का भाभी कंचन के साथ विवाद हो गया। देर रात घर लौटे कालिंदी के बड़े भाई धीरज को उसकी पत्नी कंचन ने घटना की जानकारी दी तो वह आपा खो बैठा। गुस्से में वह पशुशाला में सो रही कालिंदी के पास पहुंचा, उसे चारपाई से उठाने के बाद गला दबाकर मारने का प्रयास किया, मगर कालिंदी उससे भिड़ गई। मारपीट होते देख बहन गीता व बड़ा भाई देवेंद्र शुक्ला बीच बचाव करने लगे तो धीरज ने तमंचे से बहन कालिंदी के सिर में गोली मार दी, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। फायर व शोर शराबा सुनकर परिवार के लोगों के साथ ग्रामीण भागकर पहुंचे। बहन की हत्या देख गीता ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने छानबीन के बाद शव कब्जे में ले लिया। परिवार के लोगों से पूछा करने के बाद आरोपी धीरज शुक्ला और उसकी पत्नी कंचन को हिरासत में ले लिया। मृतिका की मां विद्या देवी की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी धीरज शुक्ल के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया। घटना स्थल से कारतूस बरामद हुआ। मोबाइल गायब होने के बाद आए दिन घर में विवाद हो रहा था। पत्नी से विवाद की बात सुनकर धीरज ने बहन कालिंदी की गोली मारकर हत्या कर दी, उसे हिरासत में ले लिया गया है। चैनल को लाइक और शेयर करना ना भूले, आइकन बेल दबाना बिल्कुल ना भूले, जिससे प्रत्येक जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके, जैसे कि प्रत्येक दिन का राशिफल, प्रत्येक पर्व का आर्टिकल, नई और ताजी खबरें।